बाय बाय टू दिस मशीन, इस ब्यूटी को बाय बोल के ये अमानत भाई को दे दिए। एंजॉय दिस भाई, जो करना है इसके साथ करेगा। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, बाकी देखते हैं। अच्छा ऑफर देते हैं, इसको कस्टम करा के मैं बेच दूंगा ये, लेकिन कुछ दिन रखने के बाद नहीं, लेकिन वैसे बेचने का मन नहीं करेगा। सो हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू द चैनल। एंड गाइस, लास्ट वीडियो आपने देखा था भाई, मैं था दिल्ली में, एंड जो वीडियोस वगैरह हमने शूट किए वो आपको अपकमिंग डेज में आ जाएगा, क्योंकि हमने किया था वहाँ पे जाके भाई बजाज प्लैटिना की एबीएस टेस्टिंग, मतलब एबीएस और नॉन एबीएस बाइक में क्या क्या डिफरेंस होता है, अलग अलग टेरेन पे जब अपन ब्रेकिंग करते हैं, हार्ड ब्रेकिंग, और जब सडन ब्रेकिंग करते हैं तो क्या क्या डिफरेंस आता है। तो उन सब चीजों के लिए भाई आपको मैंने बोला था एक अलग से वीडियो आएगा, तो वो बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन गाइस, उससे पहले भाई आप सबको पता है यार, एक इंसिडेंट हुआ है अभी अपनी बाइकिंग कम्युनिटी में। आप सबको पता है भाई, एक बहुत ही मतलब अच्छे खासे नामी यूट्यूबर का जो एक्सीडेंट हुआ ZX Trainer पे, तो भाई मैंने इस पर ना कोई वीडियो वगैरह नहीं बनाया, बाकी बहुत लोगों ने भाई मुझे इन सब चीज़ों में टैग किया था, बहुत लोगों ने फोटोज वीडियोस फॉरवर्ड किया था, बट मैंने भाई सोच रखा था, देखो भाई मैं उस भाई को नहीं जानता था, एंड जो भी हुआ भाई बहुत ही गलत हुआ, जिनके भी साथ हुआ उनकी फैमिली भी जो सफर कर रही होगी, तो रेस्ट इन पीस भाई के लिए। एंड सबसे मेन चीज़ ये बोलना था भाई, जो भी लोग मतलब ऐसे ओपन रोड्स पे हाईवे पे अगर रैश भगा रहे हो, स्पीड अप कर रहे हो भाई, तो देखो इंडियन रोड्स का भाई कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कहाँ से कैसे हो जाए, तो भाई नो वन नोस। एंड वो क्रैश में क्या हुआ क्या नहीं, पूरा इंसिडेंट का जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं हुआ तब तक भाई पूरा डिटेल पता चलेगा नहीं, तो तब तक के लिए भाई इस पर कुछ बोलना सही नहीं होगा। फिलहाल अभी मेरा प्लान ये है कि हम अपनी KTM RC अपनी जो है तो उसको लेकर चलने वाले हैं कस्टमाइजेशन के लिए। मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था, बीच में भाई दिल्ली चला गया इसलिए वो स्किप हो गया था, तो उसको लेकर आज आने वाले बाइक देने के लिए आपको बता रखा था, एक महीने ऑलमोस्ट लगने वाले बाइक को रेडी होने में, जो हम लोग प्रोजेक्ट उस पर सोचा है, वो प्रोजेक्ट अगर प्रॉपर उस तरीके से हुआ तो। और पैसे की बात करी जाए तो भाई ऐसे राउंड ऑफ हमने मतलब एक्सपेंस जोड़ा है 25,000 से 30,000 रुपए लगेंगे, बाकी पता नहीं भाई जब पूरा काम चलेगा, जब प्रोसेस होगा, मैं स्टेप बाय स्टेप प्रॉपर एक वीडियो बनाऊंगा अपने बाइक के प्रोजेक्ट पे, मतलब जो जो हमने सोचा है, जो जो चीज़ कराने का, सारा डिटेल्स कैसे हुआ, कहाँ से हुआ, कितने पैसे लगे, सब कुछ बताऊंगा। तो फिलहाल हमारा ये प्लान हुआ पड़ा है। एंड जिस टाइम भाई वो एक्सीडेंट हुआ था उस टाइम मैं था दिल्ली में ही, मतलब गुड़गांव में था, तो मुझे ना बहुत लोगों ने भाई अपडेट्स दिया था, बट द थिंग वॉज कि मैं उनके कांटेक्ट में ही था ना, उस ग्रुप में किसी से कांटेक्ट में था, बाकी इस वजह से हमने सोचा भाई कि कोई मतलब नहीं बनता इन सब चीज़ों का स्टोरी लगाकर वीडियो डालकर। देखो सच बता रहा हूँ भाई, बहुत लोग अभी ऐसे हैं ना यूट्यूब पे भाई भर भर के वीडियोस डाल रहे हैं, एंड भर भर के सिर्फ व्यूज़ कमा रहे हैं और कुछ नहीं भाई। आप इंसानियत आपके अंदर अगर नहीं है ना भाई, तभी आप ऐसा करोगे, अगर इंसानियत होती तो आप कभी ऐसा नहीं करते। अभी आज मैं इस वीडियो में ये चीज़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई मुझे बहुत लोगों ने लास्ट वीडियो में कमेंट किया था कि कुछ बोलो उस इंसिडेंट के ऊपर, क्योंकि आप भी बाइक चलाते हो, यू आर ऑल्सो हैविंग अ सुपर बाइक, तो आप एक मतलब बताओ कि यार क्या सीन था, कैसे सीन था। देखो मुझे पता नहीं पूरा स्टोरी, तो मैं इस पर कुछ बोल नहीं चाहता, दैट्स द ओनली रीजन। तो गाइस चलो बिना लेट के अभी यहाँ से निकलते हैं, अपनी बाइक निकालते हैं, सीधा मिलते हैं आप लोगों से GoPro पे, एंड देखते हैं भाई आज कितना टाइम लगेगा मतलब अपनी बाइक को देकर आने में, क्योंकि अभी टाइम देख सकते हो लगभग 6:45 होने वाला है, दिन में इतना ज़्यादा गर्मी था बिल्कुल हिम्मत नहीं था निकलने का। एंड अभी भाई घर पे हो तो कैमरा से ब्लॉक कर रहा हूँ, बाकी सारा काम अपना आईफोन से हो जा रहा है आजकल। अभी भाई मैं देख रहा हूँ, सर्च कर रहा हूँ ना बस भाई, तो सिर्फ और सिर्फ यही दिख रहा है पूरे यूट्यूब की जो मतलब फीड्स है ना उस पर, बस यही भरे पड़े लोग, ऐसे ऐसे लोग है भाई जो सीरियसली बता रहे, एक टाइम पे मतलब उसे हेट करते थे, आज भाई जब भाई अपना नहीं रहा तो उस पर भाई वीडियोस बना रहे, मतलब कैसे लोग होते हैं यार, ऐसे लोग पे भाई बिल्कुल मतलब यूट्यूब पे है और वीडियोज डाल रहे हैं, और इनफैक्ट दे आर सेइंग दैट कि ये होना था, ऐसा होता रहता है, मतलब आई डोंट नो व्हाट्स द रीजन, क्या इसके पीछे चल रहा है भाई, बहुत ही गलत है जो भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। देखो किसी के साथ भी भाई इंसिडेंट है, किसी के साथ भी हो सकता है, तो प्लीज राइड सेफ। एंड अभी यहाँ से निकलते हैं, बाइक को पिक करते हैं, सीधा मिलते हैं गाइस आप लोगों से GoPro पे। तो अभी आ चुके अपन बाइक को लेकर रोड पे, एंड भाई अपनी ये रही KTM RC 200। तो फिलहाल अपने साथ भाई देखो यहाँ पे क्या सीन चल रहा है, ये चल रही है भाई चेकिंग आई गेस, नहीं नहीं ये तो रोड ही ब्लॉक हुआ पड़ा और अपन इधर से जा भी नहीं सकते थे। ओ शिट भाई, प्रॉब्लम ये है ना अपना, ये जो है ना भाई ये टकरा जा रहा है वाइज़र में, जिसकी वजह से लग जा रहा है ब्रेक, एंड ये दिक्कत दे रहा है। तो फिलहाल अभी रोड ब्लॉक है, तो जा रहे अपन दूसरे रास्ते से, एंड ये तो या तो मैं इसको हटवाऊँगा या इस वाले वाइज़र को हटाऊँगा, क्योंकि इसकी वजह से ना भाई बाइक कभी भी भाई क्रैश कर सकती है, जैसे मतलब बाइक पूरा टर्न कर रहा राइट में ना मैं, वैसे ही भाई ये जो ब्रेक है ये दब जा रहा है इस वाइज़र की वजह से, एंड इसी वजह से उस दिन भी अपनी KTM RC गिरी थी, आपने देखा होगा लास्ट अगर प्रीवियस वीडियोस। तो ये जो मेट्रो वर्क चल रहा है ना, इसकी वजह से पूरा रोड ना डिस्टर्ब हुआ पड़ा है, मतलब कोई भी रूट कभी भी बंद कर दिया जा रहा है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रहा है। तो फिलहाल चल रहे हैं, एंड देखो जैसे ही मैं बाइक अगर पूरा राइट टर्न कर जाऊँगा ना, तो ये वाला जो इसमें टकरा जाता है और ब्रेक लग जाती है, ये प्रॉब्लम आ रहा है फिलहाल। तो इन सब चीज़ को तो भाई ठीक कराना ही कराना, एंड अपनी बाइक का जो पूरा लुक है ना भाई, लास्ट टाइम आप देख रहे हो इस बाइक का इस लुक में,
आपको मैं वहाँ रुक के ना कुछ सिनेमैटिक्स भी आपको दिखाऊंगा इस बाइक का, क्योंकि भाई इसके बाद ये बाइक इस रूप में नहीं दिखने वाली, पूरा कंप्लीट डिफरेंट हो जाएगा। तो अभी जल्दी से चलते हैं। बाकी आप सबको पता है ये जो बाइक है ये है नॉन ABS हैंड। अभी यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो लाइट जल रहा है शाइन, ये आ रहा है भाई क्योंकि अपनी बाइक में फ्यूल लो है, 1 पॉइंट फ्यूल है। लेकिन भाई KTM में ऐसा बाइक है ना, जब तक 2 पॉइंट से कम, जैसे 2 पॉइंट पे फ्यूल आएगा ना वो इंडिकेशन ऑन हो जाता है, मतलब आपको ना ये गरीब फील करवाता है, समझ लो। अगर आप फुल मतलब पेट्रोल अगर नहीं रखूँगा अपने बाइक में ना, तो आपको लगा आपको एकदम प्रॉपर फील हो कि आप गरीब हो, क्योंकि वो जो लाइट जलता रहता है ना चेक लाइट, देख के बहुत ही ख़राब लगता है बाइक में। बट अपनी बाइक में फ्यूल अप बाद में होगा, क्योंकि हमें तो भाई अभी बाइक वहाँ पे जाके लगा देना है, और पता नहीं भाई कितने दिन के बाद होकर मिलेगी कंप्लीट अपनी बाइक। फिलहाल हमें एक आगे रेड कलर की वर्टस दिखी है भाई, देखो रेड कलर दिखता तो अच्छा है, वो भी GT है भाई, क्या लग रही है, रेड कलर दिखती तो अच्छी है। लेकिन प्रॉब्लम ये है भाई, अगर कभी भी इन फ्यूचर कहीं भी मतलब कार में छोटा सा भी कहीं भी अगर एक्सीडेंट होता है, या फिर कहीं भी टच हो जाता है, कहीं पर भी पेंट अगर उड़ गया, तो उसको ना मिलाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। आई वॉज ट्राइंग टू गेट द ब्लैक वन, मतलब जो चारकोल ग्रे आता था, ब्लैक तो बाद में लॉन्च हो गई। बट ये देखो भाई कितनी, और सबसे बेस्ट पॉइंट है कार ना भाई काफ़ी नीट एंड क्लीन है, दैट्स द ऑल्सो रीज़न कि कार अच्छी दिख रही है। एंड सिर्फ रेड कलर ही है जिसमें अंदर इसका डैशबोर्ड है वो रेड में आता है, बाकी अपनी जो GT है वाइट या फिर आप चारकोल ग्रे ले लो, सब में पियानो ब्लैक ही आता है। तो जल्दी से पहुँचते भाई लोकेशन पर जहाँ पर हमें बाइक ड्रॉप करना है। यार आज गर्मी ना हद से ज़्यादा थी, हद से ज़्यादा, फिलहाल अभी तो थोड़ा कम भी हुआ है। हेलो भाई, कैसे हो? सब बढ़िया, आप कैसे हैं? आज इसको बाहर देखने में अच्छा लग रहा है। आज ये वॉश वॉश हुआ है। तो भाई अपनी बाइक भी ऐसे खुलने के बाद हो जाएगी, ये पूरी खुलेगी। देख लो मतलब ऐसे खुलेगी, ये तो भाई 390 है, अपनी 200 है। तो मैं बोल रहा था कि लास्ट टाइम अपनी बाइक को इस कंडीशन में देख रहा हूँ, मतलब इस कलर में और इस ग्राफिक्स पे। बाकी ये ग्राफिक मैंने इसलिए डलवाया था क्योंकि बाइक का पेंट जॉब ऐसा था, तो थोड़ा मैच कर जा रहा है, वरना ब्लैक पे मजा नहीं आता, ग्रीन ऐसा देखने में अजीब लगता है, या ऑरेंज पे तो और भी अजीब लगता है। तो ये आपने फिलहाल देखा कुछ ये लुक है, बाकी क्वेश्चन मैटिक से भी एंजॉय करो, तब तक अपन डिस्कशन करते हैं इस पे क्या करना। हेलो गाइस, होप आपने सिमेटिक्स एंजॉय किया होगा, बट द थिंग इज कि भाई अब इससे पूछते हैं कब तक भाई बाइक करके दे। बाइक एक महीना लगेगा, बहुत सारा काम है इस बाइक में। देखो मैं बता रहा हूँ, मतलब बाइक ऊपर से ना बहुत सिंपल दिखता ऊपर है, से बहुत सिंपल। बट अगर क्लोज व्यू देखे, जैसे आप ये देखो लास्ट टाइम जब मैंने बाइक लिया था ना, ये सब पार्ट ऑरेंज ही छोड़ दिया था जिसने भी कराया था, तो फिलहाल देख सकते हो ये पूरा बाइक इस तरीके का है, यहाँ पे ऑरेंज है, और भी कुछ कुछ चीजें है। देखो ये सब भी पूरा क्लीन होना है, और वायरिंग भी चेक करना पड़ेगा, कहीं पे गंदी हो सकती है, कहीं पे कोई कल्ट वल्ट तो नहीं है, सब कुछ चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले चेक करना पड़ेगा नट बोल्ट कहाँ का गायब है, कहाँ का नहीं है, तो वो सब भी चेक करना जरूरी है। बाकी भाई ये स्टूडियो का ओनर है, ये देख सकते हो बुंदेला कस्टम, बुंदेला कस्टम। तो फिलहाल ये सीन हुआ पड़ा है, एंड अभी हम लोग बस ये सोच रहे हैं इस पे क्या कर सकते हैं। देखो प्लान तो बहुत कुछ हमारे दिमाग में चल रहा था, बाकी हमने बीच में ये भी सोचा था कि रैप करा देंगे, रैप करा लेंगे, लेकिन फिर वो जम नहीं रहा, पता नहीं क्यों, मतलब देख के बहुत लोगों ने रैप तो हर जगह मिल जाता है, लोग कॉपी कर लेते हैं, और प्लस कॉपी तो मुझे पता है हो रहा है, कॉपी बहुत ज्यादा अभी तो सेम हो गया। मतलब मैं बता रहा हूँ भाई, पूरे पटना में ना मतलब ड्यूक 390 जितने लोग के पास है ना, कुछ नहीं भाई, सबका सेम बॉडी किट लगा हुआ है, कितना का तो भाई खुद ही किया है, सेम बॉडी किट है, बस कलर थोड़ा कलर डिफरेंस रहता है हर एक तो का। लेकिन मेरा क्या सोचना कि भाई अगर अपन कस्टम करा रहे ना, तो कुछ ऐसा कराओ ना, मतलब इट शुड बी डिफरेंट, कम्प्लीटली डिफरेंट, जो कि भाई आपकी बाइक को देख कर लोग पहचान ले कि हाँ ये बाइक आपकी। देखो छपरी मॉड्स तो नहीं कराने भाई, वरना भाई मैं भी जाता इसको नियॉन वियॉन वैसा रैप करा कर, भाई रैप तो बहुत सिंपली हो जाता है। और रैप की बात की जाए तो 2 दिन मैक्सिमम है, अगर अच्छे से हम लोग पूरा बॉडी पार्ट्स खोल कर भी करते हैं तो इसलिए हमने सोचा कि रैप वाला सीन रखना ही नहीं है, पेंट जॉब कराएंगे, क्योंकि बाइक में ना पेंट जॉब के बाद जो लुक और जो फिनिश आता है वो बहुत ही डिफरेंट आता है। तो फिलहाल ऐसा कुछ प्लानिंग चल रहा है। प्राइस मैंने उस दिन भी आप लोग को बता दिया, एक बार फिर से इसके मुंह से सुन लेते हैं। अराउंड 30K का रखा है बजट हमने। अरे भाई गरीबी गरीबी भाई, बजट इसलिए रखा है क्योंकि बहुत कुछ है उसमें, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो एक हाई लिमिट लग दिया गया 30, उसके नीचे भी हो सकता है। 30,000 रुपए भाई, एक बार सोच के देखो, मतलब इस बाइक पे भाई मैं 30,000 रुपए डालूंगा, मतलब ऊपर ऊपर मॉड्स के लिए, खाली वो भी ऊपर ऊपर मॉड्स के लिए। एक टाइम पे मैं पैसे जमा करता था भाई, अभी मैं सोच रहा हूँ
चलो कर लेते कर लेते इसका हैं। काम कर ही देते कर ही देते हैं। काफी टाइम से जो चीज सोच रहे थे ना, मन में नहीं रखना चाहिए किसी भी चीज को, जो भी शौक होता है ना इंसान का उसको भाई पूरा कर लेना चाहिए। तो मेरे दिमाग में चल रहा था प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट, कौन सी बाइक का करें, कौन सी बाइक का। तो यही एक बाइक है ना जिसको अपन छोड़ सकते हैं एक महीने। हाँ। आप सबको पता, अगर मैं वैम छोड़ दिया तो आप लोग गालियां दोगे भाई कि बाइक चलाते नहीं हो, बस लेके रख लियो। उस पर भी करेंगे, बट एक महीने वाला प्रोजेक्ट नहीं, इस पर थोड़ा शॉर्ट प्रोजेक्ट करेंगे, उस पर बाद में करेंगे। बाकी ज़ारा पे भाई बहुत जरूरी करना। तो अब मैं ये सोच रहा हूँ इसके बाद कौन सी बाइक कराऊंगा, तो ये आप लोग कमेंट करके बताना इस बाइक के बाद आपको कौन सा बाइक देखना है जिस पे मॉड्स अपन कराए। ये जब तक नहीं मिलेगा तब तक कोई भी बाइक मैं यहाँ आके नहीं छोड़ने वाला हूँ। तो भाई जल्दी करके देना, ये तुम्हारे लिए भी मोटिवेशन होगा, ये खत्म होगा तो दूसरा आएगा। नहीं नहीं, वन मंथ टाइम तो मैं ले रहा हूँ मैक्सिमम। बाकी देखो यार, अगर बाकी कुछ कुछ चीज का अवेलेबिलिटी अगर नहीं हुआ तो टाइम लग सकता है भाई। मैं ना एकदम फ्री तुमको दे रहा हूँ, जितना टाइम लगना लगा लो, लेकिन डिफरेंट, इट शुड बी डिफरेंट। तो ये भाई अभी सीन हमारा यही हुआ पड़ा है, बाकी देखते हैं क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। बाकी बात और भी करना कुछ कुछ डिस्कशन, क्योंकि इसका जो हमने ग्राफिक्स वगैरह सोचा ना वो सब भाई खुद से डिजाइन करेगा। ग्राफिक्स तो डिजाइन हो जाएगा, बट उससे पहले हमें डिजाइन करना है इसका बॉडी, मतलब समझ लो भाई लोग ग्राफिक्स तक डिजाइन कराते हैं, मैं तो भाई बाइक का बॉडी किट भी डिजाइन करा रहा हूँ, ये कुछ ज्यादा ही कस्टम हो गया। बॉडी किट वाला कुछ नया, मतलब बिहार में टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ कोई नहीं करता बॉडी किट डिजाइन, कोई भी नहीं करता। पेंट जॉब लोग करते हैं, रैप तो भाई आप सबको पता है हर जगह ऑनलाइन भी लोग मंगा के रैप करा लेते हैं। तो बॉडी किट वाला जो प्रोजेक्ट है ना, ये कॉन्सेप्ट मुझे काफी अच्छा लगा जो कि भाई लेकर आया। तो इसके लिए तो भाई मतलब हैट्स ऑफ टू यू इस चीज के लिए। और मैं बता रहा हूँ इसका, इसके पास ड्यूक का भी बॉडी किट शेड है। तो क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए ना, मतलब जो मार्केट में बिक रहे हैं, जो भाई मतलब बाहर दूसरे दूसरे सिटी से आ रहे हैं, तो उसके कंपैरेटिवली भाई इसका बॉडी किट ना सच में बहुत अच्छा है। बाकी आप लोग को मैं दिखाऊंगा जब इसका बनेगा, तो अभी भी इसके पास पड़ा है, लेकिन जब अपनी बाइक का होगा ना तो उसको दिखाने में ज्यादा मजा आएगा। अभी इसका करते हैं ना, इसका करते हैं भाई, दूसरे बाइक का क्या दिखाना, तो देखते हैं। बाकी फिलहाल ये रही अपनी बाइक, लास्ट टाइम देख लो भाई इस वाले लुक में, ये जो लुक है ना बाइक का ये आपको लास्ट टाइम दिख रहा है। इसके बाद घोस्ट राइडर टाइप चीज हम लोग सोच रहे हैं, मैं दिमाग में आ रहा है, इसके दिमाग में क्या आ रहा है मुझे भी नहीं पता। और सच बता रहा हूँ ना, मैं बहुत कुछ ऐसा भी सोच रखा हूँ कि फाइनल जो लुक है ना बाइक का, वो मुझे भाई सरप्राइज चाहिए। लाइक आई वॉन्ट टू से दैट, कि जैसे मेरे लिए सरप्राइज होना चाहिए, लोग के लिए सरप्राइज होना चाहिए। जैसे लोग वेट करते ना व्लॉग में कि भाई पर्दा हटेगा तो कुछ और दिखेगा, वैसे ही मुझे भी चाहिए। मतलब देखो मैं आऊंगा भाई, ऐसा नहीं कि बाइक छोड़ के एक महीना भूल जाऊंगा, मतलब दो तीन दिन पे आपको आना पड़ेगा देखने के लिए। दो तीन दिन पे मैं आता रहूंगा, बाइक देखता रहूंगा कि क्या काम हुआ क्या नहीं हुआ है, और आप लोगों को भी दिखाता रहूंगा भाई, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बोला कि पार्ट बाई पार्ट अपने बाइक पे क्या क्या काम हुआ है, कितना पैसा लगा, सारा कुछ बताऊंगा डिटेल्स में। और आप लोग भी कहाँ से करवा सकते हो ये सब कुछ बताना जरूरी है। हाँ, क्योंकि करवा लेते लोग, बताते नहीं है, छुपा के रखते हैं। बट भाई मेरा तो आप इस वाले में तो मैं भी बिलीव नहीं करता हूँ कि बता दो यार, ठीक है क्या दिक्कत है। लोग भाई मैं बता रहा हूँ, लोग 5,000 रुपए में पेंट कराते हैं पूरी बाइक। मैं बता रहा हूँ, आई है सीन पीपल्स, और बहुत लोग ऐसे ना भाई जो व्लॉग देख के समझ गए होंगे, 5,000 रुपए में पेंट कराते हैं बाइक को। हाँ, है। बोलते हैं भाई ये जो पेंट हुआ ना ये 20,000 रुपए का। अब बताओ ये किस एंगल से 20,000 रुपए का पेंट है। ये पेंट भाई, अगर ये जो अपने बाइक पे पेंट है ना, ये देखो बस एलॉयज और ये चेचिस, ये मैं आपको भाई 2,000 में करा दूंगा, 2,000 रुपए में भाई, 3,000 में तो ये कर देगा। बुंदेला कस्टम है ना, थोड़ा क्वालिटी वर्क होगा, कर देता है मैं 3,000 में कर देगा, लोगों को पता है। देख लो 3,000 में ये दोनों एलॉय के साथ वो चेचिस भी पेंट कर देगा, मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ। बट ये जो क्वालिटी है ना, बस यही क्वालिटी में करके देगा, अच्छी क्वालिटी का एक्सपेक्टेशन मत रखना आप। हाँ, मतलब अगर आप 3,000 में कराओगे तो ये ऐसा ही होगा ना भाई, 3,000 के लायक ही होगा। इसको कंपेयर कर लो, देखो भाई मैं अपनी बाइक की ना बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट जो चीज है वो है। आई एम नॉट द पर्सन की अपनी बाइक की भाई तारीफ करो, जो चीज प्रॉब्लम है जो कमियां है मेरी बाइक में वो आप लोगों को दिखा रहा हूँ, दैट्स इट। और फिलहाल तो बाइक छोड़ के जा रहा हूँ, अभी ओपन होगा, पहले धोएंगे इसको, बहुत काम है, बहुत काम है, बहुत काम है अभी, कोई नहीं। हाँ, कल से मतलब अभी से ये अमानत भाई, बाय बाय टू दिस मशीन, इस ब्यूटी को बाय बोल के ये अमानत भाई को दे दिया, एंजॉय दिस भाई, जो करना है इसके साथ करेगा। तो अभी यहाँ से निकलते हैं, बाकी देखते हैं। इसको लेकर आए, देखो इसको ना नोएडा से बुला कर लाए, ये गायब हो गया इसके। वैसे एक चीज और, इसका एनएस बाहर लगा, आपने शायद देखा होगा, तो इसके बाइक पे भी काम यहीं से हुआ था। एक बार लेके आना भाई अपना बाइक, ये देख सकते हो, ये रही हर्ष की बाइक। एंड भाई ये सीट को इग्नोर कर दो, ये तो भाई किसी ने बदमाशी से फाड़ा है। बाकी ये देखो, ये पूरा पेंट जॉब हुआ था, कितने टाइम पहले हुआ था भाई, दो साल, 7-8 महीना, क्या बोल रहे तुम भाई, 2 साल पहले, इसको भी नहीं याद है भाई, कौन से भाई तुम नशे में हो। इसका पता है उतरता नहीं, नोएडा से आने के बाद ना उतरा नहीं इसका, वहाँ का हवा लग गया, वहाँ का पूरा हवा लगा ना, लेबल से नीचे बात ही नहीं करता है।
तो ये देखो भाई, इस पे भी ना उस टाइम पे भाई ये हाइड्रो डिप करके दिया था कार्बन फाइबर वाला लुक में भाई, काफी कुछ हुआ था इस बाइक पे। बाकी अभी बाइक उस कंडीशन में है नहीं, बाइक काफी गंदी है, बट फिर भी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ जो बात है वो सामने पेंट जॉब। और यहाँ पे ये भी हाइड्रो डिप होता ना भाई, ये भी हाइड्रो डिप होता है, इस पे कुछ ग्राफिक्स वगैरह था। तो अभी फिलहाल अभी लाइट थोड़ा कम है तो प्रॉपर दिख नहीं पा रहा होगा, तो कुछ ये रहा इस बाइक का लुक। तो भाई अभी सीन ये हो चुका है, आपको मैंने सारा कुछ दिखा दिया बाइक का कंडीशन, एंड अपनी बाइक भी यहाँ पे छोड़ के जा रहा हूँ। तो बाकी भाई को बोलता हूँ बाय 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 बाय, मैं कोशिश करूंगा दो तीन दिन में, दो तीन दिन में आते रहने का, देखते रहेंगे हम लोग, डिजाइन करते रहेंगे, डिजाइन करना है ना। हाँ, और डिजाइन भाई देखो, डिजाइन तो हम लोग दोनों मिलकर करेंगे, म्यूचुअली करेंगे, क्योंकि देखो मैंने भाई काम इसको दिया सारा करने का, बट कुछ कुछ दिमाग मेरा भी शायद हो सकता है, थोड़ा बहुत मेरा भी क्रिएटिव है दिमाग। तो जो सपाट अभी फिलहाल जिनका बाइक होता है उनसे मैं स्पेशली पूछता हूँ आपका, आपको क्या चाहिए बाइक, क्या चाहिए, क्या अच्छा लगता है आपको, आप पहले बताओ अपने बारे में, तब फिर मैं बताता हूँ। तो वैसा कुछ प्लान करेंगे अपन, तो देखते हैं फिलहाल, अभी यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि भाई देख सकते हो काफी अभी, यहाँ देखो फोन में ना कैमरा में थोड़ा ब्राइट दिख रहा है, बट ऑलमोस्ट अंधेरा होने वाला, क्योंकि टाइम अभी ऑलमोस्ट देख सकते हो भाई 6 ऊपर हो रहा है, 6:30 तो बस, तो 6:30 बज रहे, ऑलमोस्ट 5 मिनट में सनसेट हो जाएगा पूरा अंधेरा। लकली भाई अभी वीडियो बन गया, वरना फिर अलग से फ्लैश चला, फ्लैश वाला वीडियो में मजा नहीं आता। तो अभी यहाँ से इस बाइक पे अपन राइड करेंगे, इस बाइक को राइड करके निकलते हैं। बाकी इसकी भी जो बाइक की चॉइस है ना भाई, मैं दिखाता हूँ, वो देखो उधर लगी पड़ी है, आपको दूर है, बहुत दूर में लगी पड़ी है, एडवेंचर 390, मतलब बेस्ट मशीन है भाई। मैं उस दिन भी आपको लास्ट टाइम मैंने बताया था ना, हाँ, बताया था, सोच रहा हूँ भाई एक ले लूँ, ले लो पैसे आने दो, ले लो, मैं सोच रहा हूँ इसको कस्टम करा के भाई, एक मिनट, अच्छा ऑफर देते हैं, इसको कस्टम करा के मैं बेच दूंगा ये, लेकिन कुछ दिन रखने के बाद नहीं, लेकिन वैसे बेचने का मन नहीं करेगा। जोक से पार्ट भाई, मैं बाइक नहीं बेचने वाला, मैं अगर बेचना ही होता तो ऐसे बेच देता, कस्टम क्यों कराता। बट भाई एक एडवेंचर बाइक, हाँ, बेच देते हैं, एक एडवेंचर बाइक चाहिए, एक एडवेंचर बाइक मैंने सोच रखा है, एक एडवेंचर बाइक लूंगा ही लूंगा, क्योंकि राइड करना है भाई, तो उसके बिना राइड नहीं हो सकता। और भाई अपनी गॉडजिला मतलब अपनी Z900 पे लॉन्ग राइड्स करना, एक तो पहले मैं बता रहा हूँ उस पर लगेज रखने का प्रॉब्लम, ऊपर से इतना एक्सपेंसिव भाई, उतने में मैं अपनी GT पे 2 लोग को 3 लोग को बिठा कर विद फुल लगेज एंजॉय करके राइड कर सकता, आ सकते हैं आराम से। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ वो वाला जो प्लान है ना भाई, उस पर अपन स्किप कर देंगे अभी, गॉडजिला पे नो राइड्स, नो लॉन्ग राइड्स, राइड्स होगा लॉन्ग राइड्स नहीं होगा, बाकी देखते हैं क्या सीन होता है। चलो यहाँ से निकलते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से GoPro पे। तो भाई अभी अपन यहाँ से निकल रहे हैं, एंड देख सकते हो मैंने बोला था ना 5 से 10 मिनट में अंधेरा हो जाएगा, देख सकते हो भाई पूरा अंधेरा हो चुका है फिलहाल। अभी ये भाई चला रहे अपन NS 160 को, एंड काफ़ी दिन के बाद अपन NS चला रहे हैं, 160 200 हमने अभी चलाया था रिसेंटली। तो भाई ये सीन हुआ पड़ा ना कि देखो बाइक तो हमने दे दिया है, अब इसमें बनने में जो भी टाइम लगेगा जैसा भी होगा, बट द रिज़ल्ट इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग, क्योंकि मैंने इससे पहले ही बोल दिया भाई अपनी बाइक समझ के करना जो भी करना, एंड एकदम फ्री हो भाई, जितना टाइम लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, बट इसका रिज़ल्ट जब आना चाहिए तो लगना चाहिए भाई कि हाँ ये इस बाइक पे कुछ हुआ है, एंड ये बाइक कुछ डिफरेंट लग रही है। तो ये प्लान हुआ पर हमारा फिलहाल, अभी चलेंगे भाई मस्त, कुछ खाएंगे पिएंगे, भूख लगी काफ़ी जोर की, शाम के टाइम में ना थोड़ा बहुत बाहर खाने का मेरा मन कर जाता है, तो वैसे कुछ प्लान है। एंड उसके बाद गाइस फिर जाते वापस घर, ब्लॉग एडिट करेंगे, अपलोड करेंगे, बस अभी ये स्केड्यूल चल रहा है हमारा। कल से भाई कुछ अलग करने का सोच रहे, कुछ अलग अलग दिमाग में आ रहा है, कुरफाती वाली चीज़ें वो करने का सोच रहे, तो जल्दी करेंगे, मिलते हैं गाइस फिर किसी ऐसे वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय गाइस, राइड सेफ एंड राइड हार्ड।